देखो वर्तमान आम आसी पहुंची गजपति जिला पारलाखिमडी आ विशेषकर जो मस्जिद अच्छी मस्जिद सम्मुखें आम अच्छे आज जो मुसलमान भाई मान जो पर्व अच्छी से पर्वर महोत्सवटा कौन अच्छी आम सहित भाई अच्छा भाई आपचय और जो आज जो पर्व पालन कर गुरुत्वटा कौन रही कौन बार्ता रखापी चाहूँ आपचय मो ना ममताज मोहम्मद मु महेन्द्रगढ़ आज हूँ आमर ईद उल जुहा जोटा कि आम पालन कर बकरीद नाम से पालन कर विशेषकर कह गाँव गोटे भाईचार पर्व बहु दूर दूरातर विभिन्न कोण अनुकोण मुसलमान भाई भाई मैंने आज आसिक ये एकत्रित मस्जिद सामूहिक भाव में नमाज पाठ कराई जार जहाँ असुविधा सुविधा भल मंद जहाँ कि भी रही सबू से आल्ला निकट में प्रार्थना कर विशेष भाव कह गा हूँ आम एक भाईचार गोटे पर्व देखो से आम सहित आज जे आज्ञा अच्छा परिचय नवा सर कौन कहना चाहूँ आज पर्वर महोत्सव उद्देश्य कौन रही कौन कहना चाहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारी ईद उल अदहा का पर्व है और ये हमारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मर्ज़ी से कुर्बानी के लिए लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाकर उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर जन्नत से एक दुम्बा लाकर रख दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम हमने जो तुझको कहा था जो ख्वाब में बिशारत की थी तूने उसको सच कर दिखाया और हम नेकों को ऐसा ही बदला देते हैं और इसको हम तेरी आल के अंदर जो भी हमारा नाम लेने वाला होगा जो भी मुसलमान होगा क़यामत तक के लिए हम सब के ऊपर जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर वाजिब करते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान को मुसलमान को माल दिया है तो वो अपने माल में से एक ज़िबाह करे एक बकरा या कोई भी जानवर ऐसा जिसकी कुर्बानी होती हो उसके ऊपर वाजिब है तो हम इसको वाजिब अदा करते हैं और फिर वाजिब करने के साथ साथ हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं दो रकात नमाज अदा करते हैं जिससे कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो और अल्लाह की रज़ा हमको हासिल हो। सर ओडिया रे गुट्टे पद आज पर्वर नाम कौन आँ बार्ता रखापी चाहूँ गोटे वर्ड रे ईद उल अदहा ये पर्व है इसकी दो रकात नमाज पढ़ी जाती है और हमने वो अदा करी है अब निकल रहे हैं अब कुर्बानी करेंगे। मोहम्मद इमरान रज़ा पारलाखिमडी जामा मस्जिद का इमाम यानी कि गुरु हूँ। आज बकरीद का मौका है तमाम हिंदुस्तानियों को बकरीद मेरी जानिब से सबों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बकरीद ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये सवाल है। इसका जवाब यह है कि हमारे एक अल्लाह के नबी थे जिनका नाम इब्राहिम था अल्लाह से भी पनाह मोहब्बत करता था अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बनाया उसके बाद उसे जी फास्ट सबुठ आगे मुझे आम पाड़ा खंडी हेले सुनतुल जमात मस्जिद तरफ सभी बासिंदा को ओडिशा भारत बासिंदा को अभिनंदन जनाऊँगी और ईद मुबारक कहूँ मु मोर ना शेख इनायतुल्ला मु असिस्टेंट गुरु रही मस्जिद रे काम करुची आउ आमर जो ये बकरीद पर्व अच्छी आमे बहुत भल भाव पालन कलु आमर ये पर्वता एथिपाई सिद्ध कि आम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आम भगवान आम अल्लाह जो दूत थे इस्माइल पुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम को जेबे आमर कुरान रे कुरान रे आइला कि जबापाई कुर्बानी पाई तो आम पुआ को से कुर्बानी दे थे जहाँ सकाशे आम को सेत बड़ हुक्म गोटे हैला कि गोटे फरमान जारी हैला कि तुम्हें समस्ते कुर्बानी दवापाई जहाँ भी आम जानवर किणिकी तो ना आम जबा करुचु आउ ये पर्व आमपाई सिद्ध बेसी लाभवान आम को ये समस्ते पालन करुचु। नाम हूँ शेख रहमतुल्ला कादरी
आम ये पार्लाखेमुंडी मस्जिद द्वारा ये पर्वटा पालन है ये पर्व ना हूँ बकरीद पर्व जहाँ को उर्दू भाषा ईद उल आजा कहते आउ ये पर्वर मेन उद्देश्य है जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी आम मुनि ऋषि जहाँ को आम उर्दू रे पैगंबर कहू ताको 60 वर्ष रे गोटे संतान प्राप्त हेले से संतान प्राप्त होबार भगवान तरफ़ किसी परीक्षा आसला जहाँकि राति स्वप्न दिगला जो तुम जीवन में जोटा अमूल्य जिनस अच्छी तुम्हें जहाँ को निज अंतर आत्मारु भल पाऊ से आम बाटे बलिदान दिंतु तो से भगवान ये स्वप्न सत अच्छी मिछ अच्छी ये स्वप्नटा को सी फास्ट दिन कौन कले शहेटा ओट तक बाटे बलिदान दे द्वितीय रात भी यही स्वप्न आसला तो से आर दिन 200 ओट नहीं कि बाटे बलिदान दे किंतु तृतीय दिन पुणी यही स्वप्न आसवर जहाँकि तो घरे बा तो अंतरात्म जोटा तो सब अमूल्य जिनस अच्छी से बाटर बलिदान दि से चारिपटे बुलीगला किसी न पाइबार संतान टी दृष्टि पड़े हेले से संतान को मिछ कह कई ना कहले बाबा एमती भगवान द्वारा स्वप्न था तीन दिन काल मुझे स्वप्न देखी तीन दिन भितर मुझे दिन 100 ओट बलिदान दे 200 ओट बलिदान देतापुर भी यही स्वप्न अच्छी जहाँकि अमूल्य जिनस मो बाटे आप त्याग दिंतु तो अमूल्य जिनस मो जितेबाला आल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहले कि तुम अमूल्य संतान टी आम बाटे दान दिंतु जितेबाला से अमूल्य संतान को सब जमी जीवन में जहाँ स्वप्न घटला सब बुझेलापुर नहीं गले काटा को सेठी बेकर छुरी चल चलला बेले पु गोटे सर्त रखिले कि बाबा भगवान रहा स्वप्न अच्छी काले तुम हाथ न थरी जाओ से गोटे कम करेंगे मो आखिरे पट्टीटा बांधिदेवे जहाँकि बापर बाप्ताटा ममताटा जमी न जगिकी के से स्वप्न तुम दूरे न जाओ भगवान तुमठू दूर न हो जाओ तो ये प्रशंसाटा ये जिनसा भगवान को ये प्रशंसा लगला कि से आसमानी आसमानी दुनिया जोटा आम आकाशी दुनिया कौच से जो आम अच्छा जहाँ को आम फरिस्ता कौचु द्वारा जन्नत गोटे दुम्बा आणिकी मानने जो जंतुर ना दुम्बा अच्छी आणिकी से जगह शुआई देक पिलाटा को सैड रखीदे तो से दिनटा आमको ये बड़ी पर्व समस्त लाजिम हो गला किंतु कहा उपरे जो मैंने पैसा वाला अच्छा मालिक निशाब अच्छा गरीब को दान दे पारे से ये पर्वटा समस्त लगे।